हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मेरी किचन शालूज लव बुक में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए होल मूंग दाल रेसिपी लेकर आई हूँ, यानी कि साबुत मूंग की दाल हम बनाएंगे। बहुत से लोग इसको साबुत मूंग की सब्जी भी बोलते हैं। तो इसको बनाना बहुत आसान है और बहुत ही टेस्टी होती है ये खाने में, साथ ही बहुत ही हेल्दी है। तो आइए देख लेते हैं बनाना कैसे है इसको। तो ये देखिए, इसको बनाने के लिए हमने 1 कप के करीब सजी मूंग की दाल ली है। साबुत मूंग की दाल हमें लेनी है, इससे हम स्प्राउट्स भी बनाते हैं। स्प्राउट्स कैसे बनाते हैं उसकी रेसिपी आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगी। और ये देखिए, इसको सबसे पहले हमें वॉश करना है। तो अच्छे से 2-3 बार पानी से आप इसको वॉश कर लीजिए, ताकि इसके अंदर कोई गंदगी वगैरह ना रहे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं इसको हमने अच्छे से वॉश कर लिया है। अब इसके अंदर पीने वाला हम साफ पानी ऐड करेंगे। तो मूंग की दाल से आप लगभग 3 से 4 इंच ऊपर तक पानी ऐड कर दें। दाल भिगोना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम दाल को भिगोएंगे तभी हमारी दाल अच्छी बनेगी। तो कोई भी दाल आप बनाएं पहले से भिगो दें तो जल्दी भी बनती है और साथ ही टेस्टी भी बनती है। तो ये देखिए, इसको हमने भिगो दिया था दाल को लगभग 6 से 7 घंटे के लिए, और आप देख सकते हैं दाल अच्छे से फूल चुकी है। तो साबुत मूंग की दाल ये देखिए काफ़ी फूल चुकी है। तो फ्रेंड्स, इससे हम बनाएंगे साबुत मूंग की दाल, जो कि बहुत टेस्टी होती है खाने में। तो इससे कई तरीके से दाल बनाई जाती है, विद अनियन गार्लिक, विदाउट अनियन गार्लिक, दोनों की रेसिपी मेरे चैनल पर अवेलेबल है। आप डिस्क्रिप्शन में लिंक देख सकते हैं। तो ये देखिए, सबसे पहले तो हमें इस दाल को बॉईल करना होगा। तो ये देखिए, कुकर हमने लिया है, कुकर में हम ऐड करेंगे दाल। तो ये देखिए, दाल मैंने इसमें डाल दी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लगभग 1 कप के करीब मूंग की दाल मैंने ली थी, जिसको मैंने भिगोया था। तो हम इसमें लगभग 2 ग्लास के करीब पानी ऐड कर देंगे। पानी की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, क्योंकि दाल है तो पानी तो ज़्यादा जाएगा ही। और अगर आप मूंग की दाल की सब्जी बना रहे हैं तब भी उसमें पानी तो थोड़ा सा ज़्यादा लगता है, दाल में ज़्यादा लगता है और सब्जी में कम लगता है। तो काफ़ी लोग इसको मूंग की दाल की सब्जी भी बोलते हैं। तो अगर आप सब्जी बना रहे हैं तो थोड़ा सा पानी कम रखें। बहरहाल, इसमें 2 ग्लास पानी तो पड़ ही जाएगा। तो ये देखिए, पानी हमने इसमें ऐड कर दिया है। अब इसमें हमें ऐड करना होगा हल्दी और नमक। तो आप देख सकते हैं 1/4 टीस्पून से थोड़ा सा कम मैंने हल्दी ऐड की है। इसके साथ ही हम इसमें आधी छोटी चम्मच नमक ऐड करेंगे। बाद में जब हम इसका तड़का बनाएंगे तब भी हम नमक ऐड करेंगे। तो अभी आप नमक और हल्दी ज़्यादा ना ऐड करें, क्योंकि हल्दी भी बाद में हम ऐड करेंगे। और ये देखिए, ढक्कन हमने लगा दिया है। हाई फ्लेम पर हम इसमें 1 सीटी लेंगे, उसके बाद में लो फ्लेम पर हम इसको लगभग 2 से 3 मिनट के लिए और पका लेंगे। और उसके बाद में जब कुकर ठंडा हो जाएगा तब इसको हम ओपन करेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हाई फ्लेम पर मैंने 1 सीटी ले ली थी, कुकर ठंडा हो गया है और थोड़ी देर मैंने इसको लो फ्लेम पर और पका लिया था। तो ये देखिए, साबुत मूंग की दाल बहुत अच्छे से पक चुकी है। और ये देखिए, आप देख सकते हैं कितनी खिली खिली भी है, साथ ही थोड़ी सी मशी है, तो बिल्कुल परफेक्टली कुक हुई है। तो अगर आपकी दाल बहुत अच्छे से पक जाएगी तो देखने और खाने दोनों में अच्छी लगेगी। अगर दाल आपकी बहुत ज़्यादा घुट जाएगी तब भी खाने में अच्छी नहीं लगेगी। तो आइए बनाना शुरू करते हैं साबुत मूंग दाल। तो ये देखिए, मूंग की दाल बनाने के लिए देखिए मैंने लिया है घी। कोई भी दाल आप बनाएं तो उसको घी में बनाएं तो बहुत टेस्टी बनती है। तो मैंने 1 टेबलस्पून के करीब इसमें क्लैरिफाइड बटर ऐड कर दिया है, घी ऐड किया है। देशी घी बोन्स के लिए, आइस के लिए, हेयर की हेल्थ के लिए, सभी के लिए बहुत अच्छा होता है। तो देशी घी हमें ज़रूर खाना चाहिए, लिमिट में खाएं लेकिन खाएं ज़रूर। और ये देखिए, 2 पिंच के करीब मैंने इसमें असाफेटिडा यानी कि हींग ऐड कर दिया है। हींग की फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है दाल में। और ये देखिए, आधी चम्मच मैं इसमें जीरा ऐड कर रही हूँ। जीरा भी आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से भुन चुका है। अब इसमें हम ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून के करीब हल्दी। तो आपको ध्यान रखना होगा, हल्दी हमने पहले भी दाल को बॉईल करते समय ऐड की थी, इसलिए हल्दी अभी हमने कम ऐड किया है। आधी चम्मच मैंने इसमें देगी मिर्च ऐड कर दी है, आप चाहें तो सिंपल लाल मिर्च ऐड कर सकते हैं। 1 टीस्पून के करीब कोरिएंडर पाउडर ऐड कर दें, यानी कि सूखे धनिया का पाउडर ऐड कर दें। इसके साथ ही फ्रेंड्स, इसमें हम ऐड करेंगे होल स्पाइसेस। तो खड़े गरम मसाले ऐड कर रहे हैं। 2 तेज पत्ते लिए हैं, 1 इंच मैंने यहाँ पर दालचीनी का टुकड़ा लिया है, 6 से 7 मैंने काली मिर्च ली है और 4-5 मैंने लौंग ली है और 1 बड़ी इलायची ली है। इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा और इलायची को मैंने थोड़ा सा तोड़ लिया है। तो ये देखिए, इसको हम ऐड करेंगे 1-1 करके। तो ये देखिए, 1 तेज पत्ता मैंने ऐड कर दिया है तड़के में, साथ ही मैंने इसमें लौंग ऐड कर दी है, 1 बड़ी इलायची जिसको मैंने तोड़ लिया था, आप चाहें तो और फर्दर इसको क्रश करके भी ऐड कर सकते हैं। और ये देखिए, काली मिर्च और दालचीनी सभी को मैंने ऐड कर दिया है। अब ये देखिए, 2 से 3 हरी मिर्चों को काट कर आप ऐड कर दें।
आप चाहें तो इसके अंदर 2 से 3 लाल मिर्चें यानी कि सूखी लाल मिर्चें भी ऐड कर सकते हैं। साथ ही ये देखिए 2 इंच अदरक का टुकड़ा हमने लिया था जिसको मैंने कद्दूकस कर लिया था, वो भी मैंने ऐड कर दिया है। तो मैंने यहाँ पर लाल मिर्चें, जो सूखी लाल मिर्चें हैं, वो नहीं ऐड की है, हरी मिर्च यूज की है उसकी जगह। आप चाहें तो लाल मिर्चों का यूज भी कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आप लाल मिर्च अभी नहीं डाल पाए हैं तो बाद में यानी कि लास्ट में आप जब दाल बन जाए उसके बाद में लाल मिर्च का तड़का भी लगाकर यूज कर सकते हैं, तो देखने और खाने दोनों में अच्छा लगता है। और ये देखिए, अब इसमें हम प्याज ऐड कर रहे हैं। तो एक बड़े साइज की प्याज ली थी जिसको मैंने कद्दूकस कर लिया था, तो हम ऐड कर रहे हैं। आप चाहें तो सिंपल मिक्सी में प्योरे बनाकर ऐड कर सकते हैं। और प्याज को हमें अच्छे से भूनना है जब तक कि प्याज ब्राउन नहीं हो जाती और साइड्स में ऑयल नहीं छोड़ देती। तो ये देखिए फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं प्याज जल्दी भुन जाए इसके लिए मैंने इसमें 1/2 छोटी चम्मच नमक ऐड कर दिया है। और लो मीडियम फ्लेम पर हम प्याज को अच्छे से कुक करेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड, लगभग 4 मिनट लगे हमें प्याज को भूनने में। और ये देखिए प्याज का मसाला बनकर अच्छे से भुन चुका है और रेडी हो चुका है। आप देख सकते हैं इसने साइड्स में ऑयल भी छोड़ दिया है। तो कोई भी मसाला हो, कोई भी सब्जी बना रहे हो आप, दाल बना रहे हो, अगर आपका मसाला अच्छे से भुन जाएगा तो आपकी दाल या सब्जी जो भी आप बनाएंगे बहुत अच्छी बनेगी। तो अब इसमें हम ऐड करेंगे 1/2 कप के करीब टोमेटो प्योरे। तो मैंने यहाँ पर घर की बनाई हुई टोमेटो प्योरी यूज कर रही हूँ मैं, जो मैंने घर पर बनाई थी। तो जब भी जिस सीजन में भी टमाटर अच्छे से मिलता है, बहुत सस्ता होता है, तो मैं पहले से टोमेटो प्योरे बनाकर रख लेती हूँ घर में, फ्रिज में रखती हूँ, और जब भी यूज करना होता है तो मैं यूज कर लेती हूँ। तो काम भी आसान हो जाता है। और आप क्या कर सकते हैं, इसकी जगह आप 3 मीडियम साइज के टमाटर ले लें और उसको आप मिक्सी में चला ले, प्योरे बना ले उसकी, और उसको आप ऐड कर सकते हैं। तो बात एक ही है। तो ये देखिए, इसको हमें अच्छे से कुक कर लेना है जब तक कि साइड्स में ये मसाला ऑयल नहीं छोड़ देता। अगर आप टोमेटो प्योरे इसमें डालेंगे तो बहुत जल्दी आपका मसाला तैयार होता है, क्योंकि टोमेटो प्योरे ऑलरेडी काफी पकी हुई होती है, तो बहुत ज्यादा हमें मसाले को पकाने की जरूरत नहीं पड़ती है, बहुत जल्दी ऑयल छोड़ती है ये। अगर आप रेसिपी जानना चाहते हैं किस तरह से बना सकते हैं आप टोमेटो प्योरी, होममेड टोमेटो प्योरे, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपको जरूर सिखाऊंगी। और जब भी टमाटर महंगे हों तो आप टोमेटो प्योरे का यूज कर सकते हैं, फ्रिज में आप रखिए, निकालिए और फटाफट उसको यूज कीजिए। पर इस सीजन में आप टोमेटो प्योरे मत बनाइएगा, रेनी वेदर में थोड़ा सा महंगा होता है टमाटर। विंटर सीजन में अगर आप बनाएंगे जिस समय बहुत सस्ता होता है तो बहुत अच्छा होगा। और ये देखिए 2 मिनट के लिए मसाले को मैंने ढक दिया था ताकि ऑयल छोड़ दे, और ये देखिए ऑयल अच्छे से छूट चुका है और मिक्स कर लिया है हमने इसको। अब फ्रेंड्स, इसमें हम ऐड कर देंगे दाल जो हमने बॉईल करके रखी थी। तो ये देखिए, थोड़ा पेशेंस के साथ अगर आप बनाएंगे, कोई भी सब्जी बनाएं, कोई भी दाल बनाएं, तो बहुत अच्छी बनती है। मिक्स कर लेना होगा हमें, तो हल्के हाथों से आप मिक्स कर लें। फ्रेंड्स, मैंने इस दाल में गार्लिक का यूज नहीं किया है, क्योंकि पर्सनली मुझे गार्लिक का फ्लेवर थोड़ा सा इस दाल में कम पसंद है। आप चाहें तो तड़के में ही गार्लिक डाल दें, तो 4 से 5 गार्लिक के क्लव्स आप काटकर या फिर साबुत ऐड कर सकते हैं। तो जब हमने हींग जीरा डाला था और उसमें हमने खड़े मसाले डाले थे, टमाटर का पेस्ट डाला था, उसी वक्त प्याज के साथ आप थोड़ा सा गार्लिक भी ऐड कर सकते हैं। और नहीं तो आप चाहें तो लास्ट में आप गार्लिक का और लाल मिर्च का तड़का भी इस पर लगा सकते हैं। तो ये देखिए, थोड़ा सा मिक्स कर लें आप, और दाल को हमें बॉयल करना है। तो लगभग 2 से 3 मिनट तक आप हाई फ्लेम पर दाल को बॉयल कर लीजिए। तो ये देखिए, दाल हमारी बॉयल हो रही है। और ये जो आप खड़े मसाले देख रहे हैं, जो भी आपको दिख रहे हैं, अगर आपको नहीं पसंद है तो आप इनको इस समय रिमूव भी कर सकते हैं। और ये देखिए, मैंने इसमें तेज पत्ते निकाल दिए हैं। और अगर आपको ये देखिए, जो साबुत इसमें हमने इलायची डाली थी या फिर सिनेमन स्टिक डाली थी, अगर आपको दिख रही है, अगर आप चाहें तो रिमूव कर सकते हैं। और ये देखिए, 1/4 टीस्पून के करीब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ गरम मसाला, बहुत अच्छा फ्लेवर देता है ये, तो आप इसमें जरूर ऐड करें। लास्ट में इसको फिनिश करें थोड़े से कटे हुए हरे धनिए के साथ। तो दाल हमारी बनकर बिल्कुल तैयार है, एक बार आप मिक्स कर लीजिए। हरे धनिए का फ्लेवर भी बहुत अच्छा लगता है दाल में, तो थोड़ी सी खुशबू आ जाती है, कोई भी आप दाल बनाए, कोई भी सब्जी बनाए, तो मिक्स कर लीजिए और एक उबाल आने दीजिए दाल में, और बस इसको आप सर्व कीजिए। ढक दें आप ताकि सारे एरोमा एक साथ मिल जाएं। तो मैंने ये देखिए 1 मिनट के लिए ढक दिया था, गैस को बंद कर दिया था, और ये देखिए मैंने दाल को निकाल लिया है एक बर्तन में, एक बोल में निकाल लिया है। और ये देखिए, हमारी साबुत मूंग की दाल बनकर बिल्कुल रेडी हो गई है, और आप देख सकते हैं बहुत ही टेस्टी है, बहुत ही औसम है, बहुत ही बढ़िया है। तो चाहे तो आप इस पर थोड़ा सा तड़का भी लगा सकते हैं, आप चाहे तो इस पर लहसुन का तड़का लगाएं, लाल मिर्च का तड़का लगाएं, हींग जीरे का तड़का लगाएं, कैसे भी आप तड़का लगाकर इस दाल को
इंजॉय कर सकते हैं, और चाहे तो सिंपल जिस तरह से मैंने आपको सिखाया है अभी दिखा रही हूँ मैं आपको, वैसे ही आप बनाकर इसको इंजॉय करें।